Sony Koda. Just ah! Oh my god. Oh my god. Ah! तकु भाई प्रणाम बाद में कीजिएगा आपने बिल्डिंग में जो पेस्ट कंट्रोल कराया था वो ढंग से नहीं हुआ है आपको फिर से कराना पड़ेगा सीढ़ियों पे चूहे दौड़ रहे हैं अगर कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा क्षमा करना भाभी पर आप तो जानती है ना कि मैं आपकी किसी बात को कभी नहीं टालता हूँ वरना भाभी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बार मैंने खुद उनके सर पे खड़े रखकर सारा काम करवाया प्लीज आपको कोई गलतफहमी हुई है राकेश खिलाई के साथ खेलना बंद करो और जाकर सीढ़ियों पे चूहे पकड़ो जाओ इसीलिए परम पूछ दिया बन्ना भाभी ने आपने सोचा भी कैसे कि मैं ये कर सकती हूं ऐसा ख्याल भी कैसे आया आपके मन में चूहे की वजह से आप सीढ़ियों से ऐसे धड़ाम करके गिरते हुए नीचे आए तब आया ना ये ख्याल आपके मन में हाँ बहुत दर्द हो रहा होगा नहीं ए पटन इतना भी दर्द नहीं हो रहा है बट अच्छा तो एक कमर के पीछे गर्म पानी की थैली क्यों रखी है तूने आधे घंटे से सिक्योरिटी ले रहा है झलर जाने दीजिए ना बेचारे वैसे ही शर्मिंदा है ना हाँ ज्योति भाभी शर्मिंदा तो मैं हूँ क्योंकि परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की पेस्ट कंट्रोल की रिक्वेस्ट को मैंने अनदेखा किया पर बन्ना भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज ही पूरी बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल करवा दूंगा पर बन्ना भाभी सच सच बताइए आपने ही मुझ पर जूता फेंक कर मारा था ना दक्कू भाई मैं मानती हूं कि उस दिन मैं आपसे नाराज थी पर इस तरह की घटिया हरकत नहीं करूंगी मैं एंड बाय द वे दक्कू भाई मैंने भी शिकायत की थी आपसे कि सीढ़ियों पर वो एंटी स्किड पट्टियां लगा दीजिए ताकि कोई फिसल कर ना आए आपने मेरी भी एक नहीं सुनी थी कंप्लेन तो की थी आपने तो आप क्या आप ये सोच रहे कि मैंने आपको जूता फेंक कर मारा था अरे मैं आपके सामने बैठा था ना बंदूक के पीछे अरे ये क्या देखा नहीं था क्या और दूसरी बात मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि फोन पर मैं और हर्षद भाई बात कर रहे थे तो फिर ये जूता मारा किसने है जूता मारने वाले को पकड़ने के चक्कर में ना एक तो आपने आपकी पीठ की बैंड बजा दी और दूसरी बात ये जो जिद है ना आपकी कि मैं तो नंगे पांव ही चलूंगा उस चक्कर में आपके घाव में धूल मिट्टी जा रही है वो अलग लेकिन राजे में एक बात आपने नोटिस की क्या क्या जिसने भी इसको जूता मारा ना वो सोसाइटी का शुभ चिंतक रहा होगा कैसे देखो जिस दिन से इसके थोबड़े पे जूता पड़ा है उस दिन से नंगा चल रहा है ए बटर क्या बोल रहा है तू अरे नंगे पांव चल रहा है मतलब हाँ तो आप देखो वो जो काम ये निगलेक्ट कर रहा था वो अपने आप फटाफट हो रहे है कि नहीं हाँ नहीं नहीं ये बात मेरी भी नजर में आई थी वो शायद जूता मारने वाला ना ये कहना चाह रहा ओ सेक्रेटरी साहब तो ये ना मेंबर्स के जूतों में पैर डालकर देखो कि हम लोग कहाँ और कितने परेशान हो रहे हैं ओ राजेश भाई ऐसी गलतियां जिंदगी में मेरे से पहली बार हो रही है ओ माय गॉड और ऐसी बात है ना तो उस जूता फेंकने वाले को बोलो कि कभी सेक्रेटरी के जूते में पांव डालकर देखे तब उसे पता चलेगा कि सेक्रेटरी का जॉब कितना मुश्किल है ओ माय गॉड
अबे झालर, लेकिन वो जूता फेंकने वाला मिलना भी तो चाहिए ना। हाँ, उसे पकड़ेंगे कैसे? मिल। क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है। What? एक मिनट। Oh my God। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? ऑपरेशन सिंड्रेला। सिंड्रेला? क्या? ये एंटर। ऑपरेशन सिंड्रेला, सिंड्रेला। What? अरे जिस तरह सिंड्रेला की स्टोरी में एक राजकुमार के पास था एक जूता और उसे ढूंढनी थी सिंड्रेला, और सिंड्रेला को ढूंढने के लिए वो शहर की हर लड़की को जूता पहना पहना के देख रहा था, और उसी तरह सही प्रशन हाइट सोसाइटी का ये राजकुमार कल सोसाइटी के हर मेंबर को जूता पहना पहना कर देखेगा, और जिस मेंबर को वो जूता फिट आया मैं उसे ऐसा फिट करूंगा, ऐसा फिट करूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। तो कल शुरू होगा ऑपरेशन सिंड्रेला। यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हर्षद भाई, राजेश भाई, आप ही समझाइए ना। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने जूता नहीं फेंका। पापा, अंकल सच कह रहे हैं, इन्होंने आपको जूता नहीं मारा। हाँ? हाँ, और हमें पता है कि आपको जूता किसने मारा। किसने? हम आपको सच बताते हैं कि वो जूता फेंकने वाला कौन था। लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने। Dear respected society members, धक्कू अंकल को जूता मारने वाला सिंड्रेला मैन या वुमेन को लेकर धक्कू अंकल और आप लोग बहुत परेशान हुए। आज हम बताने वाले हैं कि वो जूता धक्कू अंकल को किसने मारा था और उस दिन सच में हुआ क्या था। आप सब लोगों को ये बात पता चले इसलिए हमने आप सबके सामने ये बात कहने का मन बनाया है। उस दिन जब आप सभी लोग क्लब हाउस में थे तब मैं विद्युत भैया और अथर्व भैया गार्डन में खेल रहे थे। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अथर्व भैया पकड़ तो ले पहले किट्टूड़ी। जूता गलती से ही सही लेकिन मैंने फेंका था, और हमने ये जूता ढूंढने का नाटक इसलिए किया था ताकि किसी को हम पे शक ना हो। और जब हमें पता चला कि हम तीनों की वजह से राधुड़ी अंकल को सजा मिलने वाली है, हमने सोचा कि हम आप सबको सच बता देते हैं। पापा, आई एम वेरी सॉरी, पर आपको जो भी सजा देनी है ना मुझे दीजिए प्लीज। सिर्फ किट्टू को नहीं, मुझे भी। मुझे भी, क्योंकि गलती भाटुड़े अंकल की नहीं है, हम तीनों की है। अरे
आज तुम तीनों को देखकर मुझे मेरे जैसलमेर के तीन गोडाउन वाले चाचा जी की याद आ गई। फ्लैट से गोडाउन में वो भी बचपन में जूते उछालते थे। नहीं नहीं यामिनी भाभी, वो हमेशा कहा करते थे कि बच्चों के सच बोलने की हिम्मत उनके माँ बाप के संस्कारों की कीमत दिखाती। बिल्कुल सही कहते थे। तुम तीनों ने गलती तो की और उस गलती को छुपाकर और भी बड़ी गलती की, लेकिन भादुड़ी जी को बचाने के लिए आज जिस तरह से तुम लोगों ने अपनी गलती को कबूल किया है, सच बोला है, सच में हम लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन बच्चों, सबसे पहले सॉरी तुम्हें भादुड़ी अंकल को बोलना चाहिए। भादुड़ी अंकल, आई एम रियली सॉरी। 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 एक और बात है इस पूरे वाकये में ना, ये एक अच्छी बात हुई है कि सोसाइटी की जितनी भी छोटी मोटी कंप्लेंट्स है ना, दक्कू भाई ने उस पर भी काम कर लिया। ये तो जालो किसी की बात सुनता थोड़ी। डैडी, ये बात पहले ना बताने का भी हमारे पास एक रीजन है। क्या? सोसाइटी मेंबर्स की रुकी कंप्लेंट्स का भी काम हो रहा था और पापा का नाम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। भादुड़ी जी, भादुड़ी जी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं पूरी कमेटी की ओर से आपको सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप सब बैठिए। ये सारी घटना इस प्रकार से हुई कि किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। पापा, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, इसलिए फिर से एक बार सॉरी। पर आप प्लीज अब चप्पल पहन लीजिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.